प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने स्टॉक खरीदने की सलाह क्यों दी? राहुल गांधी ने की जेपीसी जांच की मांग। स्टॉक मार्केट क्रैश को लेकर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने दोनों नेताओं की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट क्रैश को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। 1 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल जारी होने के बाद 3 जून को स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहीं 4 जून को नतीजे आने के बाद स्टॉक मार्केट धराशाही हो गया था। इसे लेकर राहुल गांधी ने बड़े आरोप लगाए हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, चुनाव के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की और कहा कि शेयर बाजार तेजी से आगे जाएगा, लोगों को शेयर खरीदना चाहिए। 1 जून को मीडिया झूठा एग्जिट पोल जारी करती है। बीजेपी के अंतरिक्ष सर्वे में 220 सीटें आ रही थी, एजेंसियों ने भी 200 से 220 सीटें बताई थी। 3 जून को स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। पीएम ने क्यों दी निवेश करने की सलाह? राहुल गांधी ने सवाल पूछा, पीएम ने जनता को निवेश करने की सलाह क्यों दी? अमित शाह ने लोगों को शेयर खरीदने के लिए क्यों कहा? क्या बीजेपी और इन विदेशी निवेशकों के बीच कोई संबंध है तो क्या है? हम इसकी जेपीसी जांच की मांग करते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भूमिका की जांच हो। कांग्रेस नेता ने कहा, ये मामला काफी बड़ा मामला है, ये अडानी से संबंधित है लेकिन बहुत बड़ा मसला है, इसका सीधा संबंध प्रधानमंत्री से है। बीजेपी के बड़े पदों पर बैठे लोगों ने ये घोटाला किया है, हम जानना चाहते हैं कि उनके और एग्जिट पोल कराने वालों के बीच कोई संबंध था या नहीं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सीधे तौर पर इसमें शामिल है, इसलिए हम जेपीसी जांच कराना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जेपीसी जांच कराने की मांग की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने रिटेल निवेशकों को ये मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास जानकारी थी कि एग्जिट पोल गलत है और बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने वाली है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। राहुल गांधी ने कहा कि 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और सत्ता में बैठे लोगों को फायदा हुआ है, इसलिए हम जेपीसी जांच कराए जाने की मांग करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पर एक स्कैम हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने इंडिकेट किया है। सच ये है कि हम जेपीसी कराएंगे। विपक्ष में बहुत ताकत है और संसद की स्थिति बदल गई है। हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ एक स्कैम हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने इंडिकेट किया है। सच ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। विपक्ष में बहुत ताकत है और संसद की स्थिति बदल गई है। क्या आप चाहेंगे कि ये इशू और हिंडनबर्ग इशू दोनों कंबाइन हो और दोनों की जांच हो? ये जो इशू है, दिस इज अ ब्रॉडर इशू देन जस्ट द अदानी इशू। इट इज कनेक्टेड टू द अदानी इशू बट दिस इज अ मच ब्रॉडर इशू। दिस इज डायरेक्टली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, हु आर प्रिवी टू डेटा ऑन एक्चुअल इलेक्शन रिजल्ट्स, हु हैव आईबी रिपोर्ट्स, हु हैव देयर ओन डेटा, हु आर एडवाइजिंग रिटेल इन्वेस्टर्स टू बाय स्टॉक ऑन द फोर। दिस इज नेवर हैपन बिफोर। एंड बाय द वे, द प्राइम मिनिस्टर हैज नेवर कॉमेंटेड ऑन स्टॉक मार्केट बिफोर दिस। This is the first time the Prime Minister has commented, very interestingly, and multiple times, one after the other, saying that stock market is going to boom, stock market is going to boom, stock market is going to boom. And at the same time, he has information that the exit polls are wrong. He has information that he knows what is going to happen because he has IB data and he also has his own party data. Haan ji, Ravi.